अब अगर मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि आप एक टेबल बना दीजिए, किसमें आप बनाइए MySQL में, लेकिन बनाना है पाइथन के थ्रू, तो कैसे ये करेंगे? तो जैसे आपने डेटाबेस बनाया बिल्कुल वैसे ही टेबल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले तो पाइथन को ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा पाइथन का ट्रेडिशनल जो आईडी है IDLE, उसी पे मैं काम करूंगा। और यहाँ पर एक न्यू फाइल हम ले लेते हैं। अब हमें एक डेटाबेस, हमें डेटाबेस तो हमने पहले से बना रखा है, पिछले बार के डेटाबेस का नाम याद ही होगा आपको, और भी तमाम डेटाबेसेज हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ देखिए 100 डेटाबेसेस बजाएंगे तो ये हमें बहुत सारे डेटाबेसेस इसमें मिल जाएंगे, तो किसी भी एक डेटाबेस का हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम किस डेटाबेस का यूज करेंगे और कैसे ये कोड लिखेंगे, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं पाइथन पर और यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट माई एसक्यूएल। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्ट माई एसक्यूएल यहाँ लिखना है और यहाँ पे डॉट कनेक्टर करिएगा। क्या करना है? डॉट कनेक्टर, तो CONNECTOR, तो ये हो गया डॉट कनेक्टर। अब एंटर करके नीचे आइएगा और यहाँ पर किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। फिलहाल पिछले वीडियो मैंने माई डीबी के नाम से बनाया था, तो ये लिख दिया माई डीबी। अब इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, CONNECTOR डॉट कनेक्ट, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये सिंपली हो जाएगा। आप तो इंटेंडिंग की एरर आपको आ सकती है। तो यहाँ पे हमारा होस्ट जो है लोकल होस्ट है, तो होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कर देते हैं और यहाँ पे फिर ये लोकल होस्ट लिख करके और फिर डबल ट्रिपल कॉमा को क्लोज करके फिर कॉमा लगा दीजिए नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टेबल है वो किस नाम से बनी हुई है, एम्प्लॉय नाम से। यहाँ पर देखिए ई जो है कैपिटल है, तो हो सकता है कि इस नाम से पहले से टेबल मौजूद हो, जिसकी वजह से जो है ये एम्प्लॉय नाम से टेबल जो है ये स्मॉल ई से बन गया हो। तो अगर हम यहाँ पे ई वन लिख देते हैं और फिर इसको दोबारा से रन करवा देते हैं, तो एक ई वन नाम से भी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब कि हमारा टेबल बन गया सक्सेसफुली। तो अभी हम ऑफिस के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इवन जो 100 डेटाबेसेस है, तो यहाँ पे ये 100 डेटाबेसेस चलाए हमने और ये ऑफिस को यूज करेंगे, तो ये यूज कर लिया। अब इसमें देखेंगे तो दो टेबल आपको नजर आएंगे, तो एक एम्प्लॉय इवन है, ठीक है। तो अगर हम इवन को सेलेक्ट करते हैं, आप देखिए यहाँ पर ई जो है स्मॉल आ रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे आप कैपिटल नहीं लिख सकते, इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखिए ये जो ई कैपिटल किया हमने, इसे आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, ये स्मॉल ही ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल बन चुकी है। अब जो रिकॉर्ड इसमें फिल किए गए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डेटा टाइप वगैरह, तो इसको देखने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, तो देखने के लिए हमें क्या करना है, DESC चलाना है। तो यहाँ पे DESC चलाएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय वन दे देंगे, एम्प्लॉय वन, EMPLOY, ये देखिए ये एम्प्लॉय वन किया, और यहां से टर्मिनेट करेंगे और इसको देखेंगे डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्राइब करेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि वही वही डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप आपको मिलेंगे। देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय और एड्रेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बस इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू।